बच्चों। हाँ तो हमने कल तक जहाँ से पढ़ाया था चैप्टर, आपका चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड कॉन्फेशन, मीन्स कि एक बच्चे की स्वीकृति। कल तक हमने कितना स्टोरी जाना, आइए देखते एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्टली हमने आपको बताया था हु ऑल आर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है, और फिर सेकंड क्वेश्चन में जो जो फैमिली मेंबर हैं उनसे आप उनमें से आप किससे शेयर अपनी बातें करते हैं या अपने विचार करते हैं उसके बारे में लिखना था। एंड थर्ड वन इज द जो आपके बहुत ही फ्रेंडली जिससे हैं या तो ऐसे सपोर्टिव हैं आपके बारे में इसमें जानना था। और इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, एक राजन नाम का एक बॉय था आपकी तरह, अ बॉय हुज नेम वाज राजन, और वो कहाँ से वापस आया था, साइंस ट्यूशन करके वो अपने घर वापस आया था। उसने क्या किया था, उसने अपने पापा के पर्स में से 500 की नोट उसने चुरा ली थी, निकाल ली थी बिना अपने मम्मी पापा के गाइडेंस में, उसने पैसे निकाल लिए थे। फिर वो पैसा निकाल के वो क्या किया, पैसे निकालने के बाद उसने आखिर क्या किया, आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ही रीच द प्ले ग्राउंड वेयर सम बॉयज वर वेटिंग एगली, मीन्स वह अब इसके बाद घर से जब वो निकला तो उसके बाद वह खेलने के मैदान में पहुंचा जहाँ पे बच्चे जो थे वो पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। दे सैड राजन वेयर वर यू, उसमें से वो लोग कहते हैं राजन तुम कहाँ थे, कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमें भी ज्वाइन करो, मतलब हमारे साथ खेलो। बट राजन रिफ्यूज एंड सैट ऑन अ बेंच इन प्ले ग्राउंड, लेकिन राजन ने उनकी बातों को, रिफ्यूज मतलब होता है अनसुना, राजन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और प्ले ग्राउंड में एक बेंच रखी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई गार्डन है उस गार्डन में बैठने के लिए बेंच रहता है, चेयर रहता है, सेम ऐसे ही जहाँ पे ये प्ले ग्राउंड में गया था वहाँ पे भी एक बेंच रखा गया था। और राजन क्यों सैड था, क्यों थोड़ा उन लोगों की बातों को रिफ्यूज़ किया था, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया था, उसने अपने पापा के बिना किसी प्रेजेंस में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसने क्या किया था, पापा के पर्स में से 500 की नोट निकाल ली थी, और जिसका उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था। अब देखते उसने क्या किया, द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग, जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया उनकी बातों को और वो ज़मीन पे बैठ गया तो लड़के अपना चले गए और वो अपना खेलने लगे। हिज हार्ट बीट्स वर स्टील बीटिंग फास्ट आउट ऑफ टेरर, उसने अब चोरी किया था, उसने पैसा निकाला था, इसलिए उसकी जो हार्ट बीट थी यानी धड़कन थी वह बहुत ही तेज बीट यानी धड़कने लगी। किसके लिए धड़कने लगी, टेरर, टेरर मीन्स आतंक के मारे, मतलब वो डर गया था, डर के मारे उसकी हार्ट बीट जो होती है वो धड़कने लगी। जैसे आप लोग भी अगर कोई गलत काम कर दो, अपने घर में कोई शीशा तोड़ दो या कुछ तोड़ दो तो आप भी खुद डर जाते हो ना, अंदर से जोर जोर से धक 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 होने लगते ना, वैसे ही राजन भी जो बच्चा था वो भी डर गया और उसकी हार्ट बीट जो थी तेज बीट करने लगी। एक्चुअली सम डेज बिफोर, अब यहाँ पे बताता है आपकी स्टोरी में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था, राजन जैसा अच्छा बच्चा आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने पैसे चुराए, पैसे अपने पापा के इन्फॉर्म के बिना ले लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, एक्चुअली सम डेज बिफोर, कुछ दिन पहले राजन बरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, राजन बरोड मीन्स उधार लेना, किसी से उधार लेना, राजन ने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे। अब क्यों लिए थे पैसे, एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिटर्न दियर मनी ऑन टाइम, और वह पैसे वापस करने में असफल था, मतलब वह समय पे वापस नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखते हैं आखिर वो पैसा क्यों लिया था, अभी तक तो हमें पता नहीं था ना कि वो क्यों आखिर मतलब इतना सैड है कि इतना डरा हुआ है, अब यहाँ पे देखते हैं आखिर क्या वजह थी जिससे वो पैसे लिया। सो हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड ट्रीटिंग देम, तो जो उसके दोस्त लोग थे जब वो पैसा वापस नहीं कर पाया टाइम पे तो उसके दोस्त उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, क्यों पीटते थे, क्योंकि वह पैसा टाइम पे वापस नहीं कर पाया था, रिटर्न नहीं कर पाया था। एंड फॉर हीम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट थेफ्ट, इस वजह से उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था चोरी करने के अलावा।
नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर पर्स। अगले ही क्षण उसने अपने पापा के चुराए हुए पैसों के बारे में सोचना शुरू किया। क्या सोच रहा है? ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था डैट ही शुड नॉट हैव पुट दैट नोट इन द पेंसिल बॉक्स एज समवन माइट ओपन द पेंसिल बॉक्स एंड वुड बी कॉट। वह क्या सोचा कि मैंने पैसा अगर अपने पेंसिल बॉक्स में से नहीं हटाया या कोई अगर देख लिया पेंसिल बॉक्स उसका पकड़ लिया तब क्या होगा। देन ही वुड नॉट बी स्केप फ्रॉम हिज फादर्स अब्यूजिंग एंड बीटिंग। अगर उसके पापा को बता दिया जाएगा तब वह क्या होगा, वह अपने पापा के मार से और डांट से नहीं बच सकता है। इवन हिज मदर वुड स्कॉल्ड हिम बैडली फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ तक कि उसकी माता जो कि उस समय क्या कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी, उसकी माता भी उसको बहुत बुरी तरह से उसको डांटेंगी। उसको क्या करेंगी, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, बैडली मीन्स बुरी तरह से। किस लिए डांटेंगी, उसने ऐसी गलती ही की थी। क्या गलती थी, उसने अपने पापा के पर्स में से 500 की नोट चुरा ली थी, थेफ्ट कर ली थी। दे वुड नेवर बिलीव हिम अगेन एंड ही वुड लॉस दियर फेथ फॉर एवर। अब इसके बाद वह कभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और वह अब उनका विश्वास जो है वो खो दिया है, उसने ऐसा सोचा। His eyes were filled with tears of remorse for what he had done. अब उसकी आँखें जो है, इतना जब वो सोच लिया तब उसकी आँखें बहुत ही guilty फील कर रही थी, एकदम आंसुओं से भर गई थी। तो फिर he was now regretting his act of borrowing from his friends for enjoying movie in cinema hall. अब इसने बता रहा है कि वो पैसा क्यों चुराया था, क्यों चुराया था, क्योंकि उसने अपने दोस्त से पैसा लिया था। पैसे लिया था किस लिए, मूवी देखने के लिए, सिनेमा हॉल जाने के लिए। सिनेमा हॉल में तो वैसे भी टिकट लगते हैं और जो टिकट होते हैं वो अबाउट 100 के अबाउट रहते हैं, बहुत ही कम सिनेमा है। वैसे आप लोग सिनेमा हॉल कभी जाके देखिएगा, वहाँ भी टिकट लगता है, टिकट के लिए लाइन लगती है। तो ऐसे ही यह भी गया था सिनेमा हॉल में इंजॉय करने के लिए। नाउ ही फेल्ट गिल्टी फॉर हिज मिस्टेक। अब उसे अपने इस गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही थी। ही शुड नॉट हैव डन दिस सिंस इवन इफ हिज फ्रेंड वुड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स और टीचर्स। अब वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मेरे दोस्त लोग मेरे पेरेंट्स और टीचर से बता देंगे तब क्या होगा। अब इसके आगे कल हम इस स्टोरी में देखते हैं कि आखिर क्या होता है, वह क्या करता है। अब इसके आगे वो अपने दोस्तों को पैसा वापस करता है या उस पैसे का कुछ और ख़रीदता है या फिर जाके वो सिनेमा हॉल में इस पैसे से सिनेमा मूवी देखेगा। थैंक यू।